ये कहते हैं कब्र पर फूल डालने की क्या शरई हैसियत है। देखिए कब्र पर फूल डालना नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बिल्कुल साबित नहीं, ना सरकार ने इसकी तरगीब दी, ना सहाबे कराम ने किया, ना इसकी तरगीब दी। लेकिन ये ज़रूर है, क्यों डालते हैं मुसलमान, ये ज़रूर है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दो कबूर के पास से गुजरे तो आपका जानवर बिदका, आपने फरमाया दो कब्र वालों पर अजाब हो रहा है और किसी बड़े वजूहत की बिना पर नहीं, एक पेशाब की छींटों से नहीं बचता था और दूसरा चुगली और गीबत किया करता था। फिर मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक खजूर की तर शाख को तोड़ा, उसके दो टुकड़े किए और उसको कब्र पे गाड़ दिया और फरमाया मुझे अल्लाह की रहमत से उम्मीद है जब तक ये तर रहेंगी इनके अजाब में तख़फीफ रहेगी। तो अकाबरीन ने उससे नतीजा निकाला कि जब तक चीज़ तर होती है, चाहे वो दरख्त से जुदा हो जाए, वो तस्बीहात करती रहती है और ये जिक्र इलाही और उसकी तस्बीह की बरकत ये होगी कि अजाब में तख़फीफ होगी। फिर हमारे मुसलमानों में ये फूल पत्तियों का रवाज चल गया और ये मना नहीं होता, ममनू नहीं होता कि हम इसको बिदत कहकर मुसलमानों को जहन्नमी करार देने की कोशिश करें। उर्फ व आदत बदलता रहता है, जैसे नबी करीम के दौर में शादियां हुई थी, क्या उस तरह आज शादियां हो रही हैं? रसूमात बदल गई, हर कम्युनिटी अपने अपने रस्म के मुताबिक, बस शरीयत से टकराती ना हो रसूमात अदा कर सकते हैं। तो फिर ये हमारे यहाँ खास तौर पे बर्रसगीर पाको हिंद के अंदर ये चीज मारूफ हो गई, गुलाब की पत्तियां डालना। और हुस्न ज़न यही है कि जब तक वो पत्तियां तर रहेंगी जिक्र इलाही करेंगी और सवाब मिलेगा। तो अगर कोई इस तरह डालता है तो ये मना भी नहीं है, अगर चीज साबित भी नहीं है। बस साबित अगर कोई चीज नहीं है तो याद रखिये वो मना नहीं हो जाती, मना वही होगा जिसको अल्लाह ताला उसके रसूल ने मना किया, मना वही होगा जिसका तरीका या जो इसका ताल्लुक इबादत से और नबी करीम इबादत का तरीका बता गए, उसमें इजाफा करना वगैरह ही मना होता है। बाकी इस तरह की चीजें जो उर्फ व आदत में जारी हो जाएं, मुसलमानों में राइज हो जाएं, उससे वही मना करेगा जो मिजाज शरा को नहीं जानता। मेरे जुमला शायद बाजों को नागवार गुजरेगा, जो मिजाज शरीयत से नावाकिफ है वही मना करेगा, क्योंकि मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वाज़ह तौर पर फरमाया कि वमा रआहुल मुमिनून हसनन फहुवा इंदल्लाहि हसनुन, जो मुसलमानों के नजदीक अच्छा है वो अल्लाह के नजदीक भी अच्छा है। और मुसलमानों से मुराद उनमें जो उलमा हैं, फुकाहा हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, दीनदार, इल्म दीन रखने वाले, वो अगर कोई काम की इजाजत देते हैं तो इसका मतलब वो सही काम की इजाजत दे रहे हैं। तो बहरहाल इसमें शरण कोई हरज नहीं है, आप डाल सकते हैं, लेकिन कोई ना डालना चाहे तो उसकी मर्जी है।